लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे लोगों को लेकर सरकार गंभीर। दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए प्रदेशवासियों की समस्याओं का जल्द ही अब निराकरण होने वाला है। इसके लिए राज्यवार नोडल प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटीज यहां पर लगाई गई है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने इसका अनुमोदन किया और इसी के साथ दिल्ली के लिए IFS TJ कविता और राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव की ड्यूटीज यहां पर अपॉइंट कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए IAS प्रवीण गुप्ता, IPS संजय अग्रवाल की इस पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा बिहार झारखंड के लिए IAS अपर्णा अरोड़ा, IPS विजय सिंह की ड्यूटीज यहां पर अपॉइंट की गई है। पश्चिम बंगाल के लिए IAS श्रेया गुहा, IPS सुष्मिता विश्वास की ड्यूटी लगाई गई है। गुजरात की अगर बात करें तो IAS गायत्री राठौर, IPS गोविंद गुप्ता की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए IAS दीप नारायण पांडे, IPS भूपेंद्र साहू की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के लिए IAS मुग्धा सिन्हा, IPS विकास कुमार की ड्यूटी सरकार ने लगाई है। पंजाब जम्मू कश्मीर के लिए IAS नवीन महाजन, IPS सुनील दत्त की यहां पर ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लिए IAS हेमंत गेरा, IPS भूपेंद्र सिंह की यहां पर ड्यूटी साइन की गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए IAS पी रमेश, IPS श्रीनिवास राव की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। तमिलनाडु केरल कर्नाटक के लिए IAS डॉक्टर आर वेंकटेश्वर, IPS बीजू जॉर्ज जोसेफ की यहां पर ड्यूटी लगाई गई। ओडिशा के लिए IAS विष्णु चरण मलिक, IPS उत्कल रंजन साहू की ड्यूटी लगाई गई। असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए IAS अश्विनी भगत, IPS संजीव कुमार नर्सरी की यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। ये अधिकारी संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने वाले हैं और इसी के साथ केंद्र राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्याओं का निराकरण करने की इनकी ड्यूटीज अब लग चुकी है।